चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का लेयर थ्री एजुकेशन में। देखिएगा, आज हम लोग आपका एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं, टाइम एंड वर्क। यानी कि ये जो चैप्टर है, आपकी सभी एग्जाम, चाहे आप बात करें पटवारी की एग्जाम, चाहे एमपीएसआई, या फिर आप बात करें एमपी पुलिस की, ठीक है, तो ये हर एक एग्जाम में आने वाला सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, जिसके लगभग हर एक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। कोई सी भी एग्जाम आप उठा लें, उसमें समय और कार्य, टाइम एंड वर्क वाला जो चैप्टर है, उसके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और अगर बात करें इस चैप्टर की, तो अगर देखा जाए तो ये चैप्टर बहुत सिंपल है ना। इसमें आपके बहुत नॉर्मल क्वेश्चन बनते हैं और बहुत अच्छे से आप लोग उनको कर पाते हैं। तो शुरुआत करेंगे आज के इस चैप्टर की, जिसमें आप लोग देखिएगा, मैं बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को बताऊंगा कि ये चैप्टर कैसे सोल्व किया जाता है। यहां पर इस चैप्टर को सोल्व करने के लिए एक कॉन्सेप्ट की मदद लेना पड़ेगी, जो कि होता है एलसीएम। यानी कि आप लोगों को पता होगा कि लघुत्तम समापवर्त क्या होता है। अगर आपको ये पता है तो ये चैप्टर आप लोग बहुत इजी तरीके से, बहुत आसान तरीके से इसको कर लेंगे। देखो, बहुत इजी वे में हम लोग सीखेंगे। जैसे कि आप, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, इसे आप लोग पढ़िएगा और आसानी से इसको करिएगा। लिखा हुआ है, देखो, ए किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, बी उसे 30 दिनों में कर सकता है। अगर ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को करें तो कितने दिन लगेंगे, यानी कि दोनों मिलकर अगर साथ में वो काम करते हैं तो कितने दिन लगेंगे। वैसे देखा जाए तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन अगर इसका बेसिक क्लियर करना है तो ये सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत हमको करना पड़ेगी। दोस्तों, धीरे धीरे लेवल हम लोग इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ आप ए और बी लिखेंगे इस प्रकार से, फिर ए के सामने आप लोग लिखिएगा 20 दिन और बी के सामने लिखिएगा 30 दिन। अब बात करें, जब भी ऐसी 20 और 30 ऐसी संख्याएं हैं, तो इनका एलसीएम आपको लेना पड़ेगा। इनका एलसीएम क्या होता है? 20-30 का एलसीएम होता है 60। अगर आपको निकालना नहीं आता है तो आप इस तरीके से बचपन में जो मेथड यूज करते थे, उससे आप कर सकते हैं कि 2 का भाग लगाएंगे 10 बार, 2 का लगाएंगे 15 बार, 2 का लगाएंगे 5 बार, फिर 15 बार नहीं जाएगा, 3 का करेंगे, 5 का 5 रहेगा, 3 5 15 हो जाएगा, फिर 5 का जाएगा, एक एक जब तक नहीं आ जाता तब तक भाग लगाते चलना है। फिर इन संख्याओं को गुणा करना है, 5 3 2 2, 5 या 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, तो 60 आपका क्या हो जाता है? एलसीएम हो जाता है। और जो एलसीएम होता है ना दोस्तों, यही अपना टोटल काम होता है। यानी कि इतनी चीजें बनानी है, या फिर जो समझो कि 60 लड्डू बनाने हैं, चलो लड्डू ज्यादा अच्छे लगेंगे, 60 समोसे बनाने हैं, ठीक है। अब थोड़ा है ना, मुंह में स्वाद आया थोड़ा। 60 समोसे बनवाने हैं, दो व्यक्ति अपने पास, एक तो ए है एक बी है, दो कारीगर हैं, एक ये कारीगर है एक ये कारीगर है। इसने कहा कि मैं 20 दिन में बना दूंगा 60 ही समोसे। मैंने कहा 20 दिन बनाएगा तो मतलब एक दिन में कितने बनाएगा? तो यहां पर आपको एक दिन की कैपेसिटी इनकी निकालना पड़ती है, जो कि 20 का इसे 60 में भाग लगाने पे आ जाती है। 20 या 60, यानी कि इसकी कैपेसिटी कितनी हो गई? 3 समोसे एक दिन में ये बनाता है। बात करें बी की, तो बी कितने बनाता है? 30 का भाग लगाएंगे, 30 दूना 60, यानी कि ये एक दिन में 2 बनाता है। अगर इन दोनों को साथ में शामिल कर दे तो ये 3 समोसे एक दिन के बना रहा है, ये 2 समोसे बना रहा है, दोनों को मिला दिया जाए तो 5 समोसे एक दिन के बना लेंगे। अब उनने कहा एक दिन के 5 बना रहे हो, हमको बनवाने हैं टोटल 60, तो 60 बनाने के लिए 5 के हिसाब से इसको कितने दिन लग जाएंगे दोनों को? तो 5 का भाग लगाया तो 12 दिन इनको लग जाएंगे। यानी अगर दोनों मिलके ये काम साथ में करें तो आप आराम से निकाल सकते हो कि 12 दिन में ये टोटल काम पूरा कर लेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको ये समझ के चलना है कि एलसीएम निकालने आना चाहिए आपको, ये बात कन्फर्म है, ठीक है। अगर ये आता है तो बहुत आसान काम है। एक नॉर्मल क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूँ, आपको वैसे समझ में तो आ गया होगा, लेकिन यहां पे ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा कि ए किसी काम को मान लीजिएगा 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, ठीक है। तो आप मुझे बता दीजिए कि ये दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में कर लेंगे, ये आप आंसर करिएगा फटाफट से। जितने दोस्त देख रहे हैं लाइव, अगर आप देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका आंसर आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर कर रहे हैं, तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करते चलिएगा। दोस्तों देखो, बहुत इजी आंसर भी आ गया है। तो 10 और 15 का जो एलसीएम होता है वो 30 होता है। 10 15 का एलसीएम कितना होता है? 30 होता है। तब ये 30 यूनिट हमको बनानी है, 30 समोसे बनाने हैं, ठीक है। अब बात करें 10 के हिसाब से, 10 का भाग लगाएंगे 10 या 30, यानी कि ये जो है 3 समोसे बनाता है।
15 × 2 = 30, ये 2 समोसे बनाता है। इन दोनों को मिला के देखा तो 5 समोसे एक दिन के बन रहे हैं, तो टोटल 30 बनाने हैं, तो 5 × 30 यानी कि 6 दिन इन दोनों को लग जाएंगे। अगर साथ में काम करेंगे तो ये 6 दिन में ये काम समाप्त हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है दोस्तों? बहुत ईजी है, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देखिएगा, पढ़िएगा ध्यान से क्या लिखा हुआ है। मैं पढ़ देता हूं आप लोगों के लिए कि एक आदमी किसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर लेता है, जबकि वह अपने पुत्र की सहायता यानी कि उनके बेटे की सहायता से इस काम को 6 दिन में पूरा कर लेता है, तो पुत्र अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा, ये चीज आपको निकालना है। क्या इसका आंसर यहां पर बन जाएगा? देखो दोस्तों, यहां पर सहायता का मतलब होता है पिता और पुत्र दोनों मिलके 6 दिन में कर रहे हैं, तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि आदमी एक आदमी जो है वो किसी काम को 9 दिन में करता है। पुत्र दिन में कितने दिन में करता है ये पता नहीं है, लेकिन आदमी पुत्र की सहायता से मतलब आदमी और पुत्र दोनों अगर मिल जाए तो वो 6 दिन में काम को पूरा कर लेते हैं, ये इस क्वेश्चन में कहा गया है, ये इस क्वेश्चन में समझाया गया है। तो आप 9 और 6 का जैसे हमेशा एलसीएम लेते हैं, वैसे ही इनका एलसीएम लेंगे 9 और 6 का, तो 9 × 2 = 18 इनका एलसीएम हो जाएगा। मतलब यूं समझ के चलो कि 18 यूनिट बनानी है, 18 चीजें बनानी है। अब ये 9 दिन लगाता है तो एक दिन में कितनी बनाता होगा, तो 9 × 18 यानी कि ये एक दिन में 2 समोसे या 2 चीजें बनाता है, ठीक है। 6 का भाग लगाएंगे, 6 × 18 यानी कि दोनों मिल जाए तो 3 चीजें एक दिन में बनाते हैं। अब आदमी और पुत्र मिलकर 3 चीजें बना रहे हैं, जिसमें आदमी 2 चीजें बनाता है, तो 3 में से 2 गया, तो पुत्र अकेला एक दिन में 1 चीज बनाता है। अगर एक दिन में ये 1 चीज बना रहा है, पुत्र जो है एक दिन में 1 चीज बना रहा है, तो टोटल 18 चीजें बनाने के लिए उसको कितने दिन लग जाएंगे, 18 दिन लग जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 18 दिन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो बहुत आसानी से आप लोग कर लेंगे, इसका 18 दिन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, इसमें बहुत सारे टाइप बनते हैं वो भी हम लोग क्लियर करेंगे। अंत तक आप लोग बने रहिएगा और बहुत अच्छे से इस चैप्टर को आज क्लियर कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, पढ़ने की कोशिश करिएगा, करने की कोशिश करिएगा क्या लिखा हुआ है। इसके अलावा अगर आप लोग डेली पढ़ते हो, है ना, डेली ये क्लास चलती है पटवारी एमपीएसआई एमपी पुलिस के लिए, अगर डेली की पीडीएफ जो कि सभी दोस्तों के लिए फ्री है वो आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो वह आप मेरे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, 9893800651 पे मुझे व्हाट्सअप आप कर सकते हैं। व्हाट्सअप पे आपका ग्रुप बना हुआ है, उसमें आपको ऐड भी कर लिया जाएगा। डेली की जो पीडीएफ है वो आपको अवेलेबल हुआ करेगी और क्लास की लिंक भी आपको मिला करेगी दोस्तों, ठीक है, ये चीज। चलिए तो क्वेश्चन क्या कह रहा है वो ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे कि ए किसी काम को 20 दिनों में, बी उसी काम को 40 दिनों में पूरा करता है, दोनों मिलकर 5 दिनों तक कार्य करें तो उस कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा। देखो बात समझो, पहले तो 20 और 40 का एलसीएम ले लेंगे जो कि पूरा काम अपना होता है। 20 और 40 का एलसीएम कितना होता है, आप कहोगे 40 में दोनों का भाग जा रहा है तो आपका एलसीएम 40 हो जाएगा। जिसने एलसीएम वाला चैप्टर नहीं देखा वो जरूर देख लेना, एलसीएम वाला चैप्टर पढ़ा रखा है, ठीक है। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, क्या ट्रिक है, बहुत अच्छे से बता रखा है। 40 आपका एलसीएम होगा, मतलब 40 चीजें बनानी है, तो 20 × 40 यानी कि एक दिन में ये 2 चीजें बनाता है, 40 × 40 यानी कि एक दिन में ये 1 चीज बनाता है। अगर दोनों को साथ में रख दें तो ये 2 समोसे 1 समोसे मिलके टोटल 3 समोसे एक दिन के ये बना लेते हैं दोनों। अब इन्होंने कहा 5 दिन तक इन्होंने काम करा साथ में, अगर एक दिन में 3 समोसे तो 5 दिनों तक टोटल कितने समोसे बना लिए इन्होंने, 15 समोसे बना लिए हैं। 40 में से 15 बना चुके हैं, कितने बनाएंगे, 10 में से 5 गया, 5 इधर 3 में से गया यानी कि 25 समोसे बनाना अभी बाकी है। तो 25 तो कहीं से कहीं तक दिख नहीं रहा, तो 25 बाकी है कितने में से, 40 में से, तो ये काम बाकी है, तो 25/40 इसका आंसर होगा। और इसको सोल्व करें, 5 5 25, 5 8 40, तो 5/8 इसका बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, जो कि मेरे सभी दोस्तों का बिल्कुल सही आ रहा है। बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। उम्मीद करता हूं बात कहीं ना कहीं क्लियर हो रही है दोस्तों, बहुत आसानी से, ठीक है, ये चीज क्लियर हो रही है बहुत आसानी से। एक क्वेश्चन और देता हूं मान लो आपको, है ना, यहां पर एक क्वेश्चन और दिया मैंने आपको कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है, ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है। अगर ए किसी काम को 12 दिन में, बी 20 दिन में, दोनों मिलकर
5 दिनों तक, दोनों मिलकर 5 दिनों तक साथ काम करें, 5 दिनों तक साथ काम करें, दोनों मिलकर 5 दिनों तक साथ काम करें, तो कितना काम अभी शेष बाकी है, कितना काम अभी शेष बाकी है। ठीक है, तो ये वाली बात है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन दे रहा हूं, अगर वो समझ में आया है तो ये क्वेश्चन आपसे बनना ही चाहिए, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, आप लोग कर लेंगे। दोस्तों देखो, बात अपने हो गई थी कि भैया ए और बी का एलसीएम निकालेंगे, ए बराबर 12 कह रहा है, बी बराबर 20 कह रहा है, तो 12 20 का एलसीएम ले लेंगे, 20 40 60, हाँ 60 एलसीएम आ जाएगा, तो टोटल 60 चीजें बनानी है। 12 का भाग लगाया तो एक दिन में कितनी बनाएगा ये, 12 पंजे 60, यानी कि ए जो है एक दिन में 5 समोसे बनाता है। 20 का भाग लगाया, 20 60, यानी कि एक दिन में ये 3 समोसे बनाता है, और अगर इन दोनों को साथ में हम लोग रख दे तो 5 समोसे ये, 3 समोसे ये, टोटल 8 समोसे एक दिन के बनेंगे। अब उन्होंने कहा कि इन्होंने 5 दिनों तक साथ काम करा, 5 दिनों तक करा मतलब 8 × 5 करेंगे तो 40 समोसे इन्होंने बना लिए। अब 60 में से 40 बना लिए तो बचे आपके 20 समोसे, ये 20 बाकी हैं, कितने में से, 60 में से, तो 20 एकम 20, 20 60, तो 1/3 काम अभी बाकी है। बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोगों का आ रहा है, सभी दोस्तों का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, उम्मीद करता हूं बात कहीं ना कहीं क्लियर हो रही है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ नया सीख रहे हैं, तो बिल्कुल वीडियो को लाइक आप लोग कर सकते हैं, क्लास को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ रहा है। अभी तो ये शुरुआत हुई है, आप लोग अंत तक देखिएगा, ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से आने लगेगा। एक बार ये पीडीएफ आप ले लेना, इस नंबर पर मुझे मैसेज कर देना, और इस पीडीएफ की प्रैक्टिस कर लेना एक बार, 9893800651 पे मुझे मैसेज कर देना। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देखिएगा दोस्तों, क्या लिखा हुआ है, पढ़िएगा ध्यान से, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है पर आपको घबराना नहीं है, बहुत इजी है। ए और बी मिलकर एक कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं, यदि बी अकेला अपने आप उस कार्य को 8 दिन में कर सकता है, तो ए अकेला उसे कितने दिन में करेगा। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है ये, बस आपको ये ध्यान रखना है कि ए और बी मिलकर, ए और बी मिलकर उसे 6 दिन में कर रहे हैं, और अकेला बी उसे 8 दिन में कर रहा है, तो आप बताओ अकेला ए उसे कितने दिन में करेगा, ये आपको बताना है मेरे दोस्तों। तो देखो 6 और 8 का हम लोग क्या लेंगे, जैसे हमेशा करते आ रहे हैं, आपको एलसीएम लेना ही लेना है, ये बात कंफर्म है। अब 6 और 8 का एलसीएम लेते हैं, 8 9 16, 8 24, 24 एलसीएम हो जाएगा, 24, 24 समोसे टोटल बनाने हैं। ए और बी मिलके 6 दिन में बनाते हैं, यानी कि अगर 6 दिन में बना रहे हैं, एक दिन में कितने बनाते होंगे, तो 6 का भाग लगा देंगे 24 में, 4 बार, 6 × 24 यानी एक दिन में 4 समोसे बनाते हैं दोनों। और अगर बी की बात करूं तो ये 8 दिन में बनाता है, तो 8 का भाग लगाए, 8 या 24 यानी कि ये एक दिन में 3 समोसे बनाता है। अब ए और बी मिलके 4 बना रहे हैं, जिसमें से केवल 3 तो आपका बी ही बना रहा है, ए बी में से केवल बी घटा दिया, 4 में से 3 घटा दिया, तो बचा 1, तो ए जो है एक दिन में 1 समोसा बनाता है। ये हमने कैसे निकाला कि ए और बी मिलकर बना रहे थे 4, उस 4 में से बी की जो वैल्यू है वो 3 है, तो बी की वैल्यू 3 मैंने घटा दी, तो ए की वैल्यू आ गई 1, यानी कि एक दिन में 1 बनाता है। अब बनाने कितने हैं भाई साहब, 24 बनाने हैं, एक दिन में 1 बना रहा है तो 24 दिनों में 24 समोसे बनाएगा, तो 24 डेज यानी कि 24 दिन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, आप लोग कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, बात कहीं ना कहीं क्लियर आपको हो रही होगी दोस्तों, बात समझ में आ रही है क्या। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा क्या लिखा हुआ है। लिखा है सुधीर और श्याम एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं, जबकि श्याम अकेला 30 दिनों में कर सकता है, सुधीर उसे कितने दिनों में पूरा कर लेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, है ना, ये बिल्कुल हम लोग बेसिक अच्छा कर रहे हैं, इसलिए ये सिंपल क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, ताकि एक हम लोग सरल से कठिन की ओर चले, बिल्कुल धीरे धीरे अपना लेवल जो है वो इंक्रीज करें, है ना। ठेकेदार वाले क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग, एक ठेकेदार 3 दिन में 8 घंटे काम करके 24 यूनिट बनाता है, तो उसी प्रकार से 8 मजदूरी से करके, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है कि 1/3 पुल का काम पूरा हो चुका है, धीरे धीरे बहुत शानदार क्वेश्चन हम लोग इसमें करने वाले हैं, बस आप लोगों का एक बार बेस बन जाए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा क्या लिखा है, सुधीर और श्याम, तो देखो सुधीर प्लस श्याम मिलकर के 12 दिन में काम करते हैं, ठीक भैया। अब उसमें से श्याम अकेला
30 दिन में करता है, ठीक है भैया, हमको कुछ नहीं करना है, जो हमेशा करते आ रहे हैं 12 और 30 का ले लेना है भाई साहब एलसीएम, जो कि आप बड़ी संख्या का गुणा करके ले सकते हो, जैसे 30 है, 30 में भाग जा रहा है क्या 12 का, नहीं जा रहा है, एक काम करो 30 को डबल करो, 30 का डबल 60, 60 में जा रहा है, जी हाँ बिल्कुल जा रहा है, तो 60 आपका एलसीएम हो जाएगा, यानी कि 60 चीजें बनानी है, मतलब 60 समोसे आपको बनाने हैं, ठीक है। अब 12 का भाग लगाओगे तो 12 5 60, यानी कि ये दोनों मिलकर के 5 समोसे एक दिन में, यहाँ जो यूनिट आती है वो एक दिन की आती है, एक दिन में 5 समोसे ये दोनों मिलके बनाते हैं। शाम की बात करें तो शाम 30 का भाग लगा, 30 दूना 60, यानी कि अगर 30 दिन में बनाता है तो एक दिन में 2 समोसे बनाता है, तभी 30 दिन में टोटल समोसे 60 बनाता है। अब आपने देखा, आपसे पूछा है कि सुधीर अकेला कितने दिन में करेगा, तो आप देखो कि सुधीर और शाम मिलके 5 बना रहे थे, उसमें से सुधीर के समोसे मान लो 5 में से 2 है, 5 में 2 आपके इसके हैं, तो बचे हुए 3 समोसे कौन बनाएगा, है ना, शाम के हैं 2 समोसे, सुधीर 3 बनाएगा। अब 3 एक दिन में बना रहे, तो 60 बनाने के लिए 3 का भाग लगा देंगे तो आपका आंसर आएगा 20 दिन, कि 20 दिनों में ये काम पूरा कर लेगा अकेला, सुधीर अकेला कितने दिन में बना लेगा, 20 दिन में। सभी दोस्तों का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा होगा, बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप बिल्कुल लाइक करें, क्लास को शेयर करें, और अगर समझ में आ रहा है तो अगर आप लोग ऑफलाइन देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको ये चैप्टर कैसा लगा, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे चैप्टर इस तरीके से डिजाइन करके लाऊं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इसके अलावा कोई दोस्त ऐसा हो जिसको एमपी पुलिस के जो 6,000 पद आ रहे हैं, एमपीएसआई की जो वैकेंसी आ रही है, उसके लिए सारे चैप्टर पढ़ना है, पेड कोर्स पे अभी ऑफर भी चल रहा है। पेड कोर्स क्या होता है, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग के सारे टॉपिक बिल्कुल बेसिक से इसी तरीके से पढ़ाए गए हैं, आप पढ़ सकते हैं। हमारे ऐप Layer 3 एजुकेशन ऐप पर आप ऐप डाउनलोड करिएगा, Layer 3 एजुकेशन ऐप, उस ऐप के अंदर आपको ये कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, जो कि अभी 499 में मिल रहा है, आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और ज्वाइन करना है तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 9893800651, और अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देखिएगा और पढ़िएगा ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, लिखा है कि ए बी और सी मिलकर किसी कार्य को 30 मिनट में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए और बी उसी कार्य को 50 मिनट में पूरा कर सकते हैं, तो सी अकेला उस कार्य को कितने मिनट में पूरा कर लेगा, ये आप लोग मुझे बताइएगा। सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए, बहुत सिंपल बहुत आसान क्वेश्चन है, आप सभी दोस्त कर लेंगे। देखो बहुत इजी है, आपको जो दिया है वो लिखना है कि भैया ए बी और सी मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर लेते हैं, फिर वो कह रहा है कि ए और बी मिलकर उस काम को 50 मिनट में पूरा कर लेंगे, हमको तो कुछ नहीं करना है, ये 30 और 50 का हमेशा क्या लेना है, एलसीएम लेना है, जो हमेशा हम लोग लेते आए, 30 50 का एलसीएम क्या, 3 5 15, तो 150 एलसीएम हो जाएगा, 150 इसका एलसीएम हो जाएगा। अब बात करें कि एक दिन में कितना काम कर लेते होंगे, तो देखो मेरे दोस्तों 150 समोसे बनाने हैं, आप 30 दिन के हिसाब से एक दिन में कितने बनाएगा, 30 का भाग लगाएंगे 150 में, तो 5 बार जाएगा, 3 5 15, यानी कि तीनों मिलके एक दिन में 5 समोसे बनाते हैं, ठीक है। ए और बी की बात करें तो 50 का भाग लगाएंगे, 50 का भाग 3 बार जाएगा, यानी कि ए और बी मिलके 3 समोसे बनाते हैं। अब ए बी सी में से अगर ए बी सी में से ए बी घटा दे, ए बी सी में से ए बी घटा दे, सी बचेगा, यानी कि 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा, यानी कि सी जो है एक दिन में 2 समोसे बनाता है। अब उसको कहा गया है कि भैया 150 बनाने हैं, तो उसने कहा अगर एक दिन के 2 हैं तो 2 का भाग लगा देंगे तो 75 दिन लगेंगे मुझे टोटल, यानी कि सी को 75 दिन लगेंगे तब ये पूरा, सॉरी 75 मिनट लगेंगे तब ये पूरा काम कर लेगा, तो 75 जो आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, बात कहीं ना कहीं क्लियर हो रही, ठीक है। तो बहुत आसान है, आप लोग कर सकते हैं, 75 इसका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा, बहुत सिंपल तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग पढ़िएगा ध्यान से और करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है ए किसी कार्य को 25 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसे 30 दिनों में कर सकता है, उन्होंने मिलकर 5 दिन काम किया तो कितना काम शेष रहेगा। तो ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने किया था ना, अभी ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने किया था, 25 और 30 का एलसीएम आप लोगों को लेना है, ए किसी काम को 25 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में, तो 25 30 का एलसीएम कितना होता है, 25 30 60 90 120 50, 150, हाँ ठीक है, 150 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, 150 एलसीएम हो जाएगा, यानी कि 150 यूनिट बनानी है, 150 चीजें बनानी है। अब एक दिन का काम अगर देखें, एक दिन में ए कितना काम करता है, तो 25 का भाग लगा दो, 25 छंग 150, तो 6 बार, यानी कि एक दिन में 6 यूनिट बनाता है, कौन, ए,
बी की बात करूं तो बी का भाग लगाएंगे यानी कि 30 का भाग लगाएंगे, 30 का भाग 5 बार जाएगा यानी कि ये कितनी चीजें बनाता है, 5 चीजें बनाता है। अगर मैं दोनों को साथ में जोड़ूं तो ये 6 यूनिट बना रहा है, ये 5 ये बनाता है, यानी कि दोनों मिलकर के अगर बनाए तो 6 और 5 11 यूनिट एक दिन में बनती है अगर ये दोनों साथ काम करते हैं। उन्होंने कहा कि ये दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं, एक दिन में 11 यूनिट बनाते हैं, अगर 5 दिन तक काम करेंगे तो 11 × 5 55 यूनिट ये बना लेंगे। 150 में से 55 यूनिट बन चुकी है, बची कितनी होगी दोस्तों, तो 95 यूनिट आपकी बची हुई है। अब 95 बची है कितने में से, 150 में से। आप इसको सोल्व करेंगे, 5 से करेंगे, 5 एकम 5, फिर यहाँ 4 बचा 5 नम 45, 5 से काटा 5 दिया 15 30, तो 19/30 यूनिट आपका बचा है, यानी कि कितना काम शेष है, 19/30 काम अभी आपका शेष है दोस्तों। सभी दोस्तों का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हैं, बहुत शानदार आप लोग कर रहे हैं, सभी साथियों का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा, बहुत इजी है, आप कर भी लेंगे। देखो, कोई व्यक्ति एक कार्य को 30 घंटे में पूरा कर सकता है, यदि वह अपने पुत्र की सहायता से उस कार्य को करे तो 20 घंटे में उसको पूरा कर लेता है, तो पुत्र अकेला उस कार्य को कितने घंटे में पूरा कर। देखो, एक व्यक्ति जो है वो उस कार्य को 30 घंटे में कर रहा है, अगर पुत्र की बात करूं तो अभी पता नहीं है, लेकिन व्यक्ति अगर पुत्र के साथ मिल जाए यानी कि दोनों मिल के करें तो 20 घंटे में पूरा कर लेते हैं। तो 30 और 20 का हमको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। ये बात अभी तक आपके जहन में बैठ गई होगी कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है हमको सबसे पहला काम यही करना है, एलसीएम ले लेना है। तो 30 20 का एलसीएम कितना होता है भैया, 60, यानी कि ये जो 60 एलसीएम आता है ये अपना पूरा काम आता है कि भैया 60 यूनिट या 60 वस्तुएं, 60 मोबाइल, 60 समोसे, कुछ भी आप मान सकते हैं, 60 लड्डू बनाने हैं। अब एक व्यक्ति 30 दिनों में बना रहा है तो एक दिन में कितना काम करता है, एक दिन में कितनी यूनिट बनाता है, तो 30 का भाग लगा देंगे, 30 × 60 यानी कि एक दिन में 2 यूनिट बनाता है। अगर 20 का भाग लगाए, 20 × 60 यानी कि एक दिन में 3 यूनिट बनाता है, तो व्यक्ति 2 बना रहा है, दोनों मिलके 3 बना रहे हैं, तो 3 में से 2 गया तो 1 यहां पर बचेगा जो कि पुत्र बना रहा है। पुत्र एक दिन में एक काम करता है, 60 यूनिट बनाने के लिए उसे कितने दिन लग जाएंगे, 60 दिन लग जाएंगे या फिर 60 घंटे इसको लग जाएंगे। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी आ रहा है दोस्तों। बात कहीं ना कहीं क्लियर हो रही है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, अभी तक का मामला क्लियर है, ये 8 क्वेश्चन क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा, क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं जरूर कमेंट करके बताइए, और बहुत अच्छे से अगर समझ में आ रहा है तो एक छोटा सा लाइक आप लोग कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा, क्या लिखा हुआ है पढ़िएगा ध्यान से, लिखा है मेरे दोस्तों कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं, और ए बी और सी मिलकर उस कार्य को 8 दिन में समाप्त करते हैं, सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा, ये आप लोग मुझे बताइएगा। देखो, ए बी मिलकर 24 दिन में, ए बी सी मिलकर 8 दिन में, तो आप लिखिएगा जिस प्रकार से दिया हुआ है कि ए और बी मिलकर 24 दिन में, और लिखा है ए बी सी मिलकर के 8 दिन में, तो आपको 24 और 8 का क्या ले लेना है, जो हमेशा हम लोग करते हैं एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ले लेना है। 24 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 24 हो जाएगा। तो 24 एकम 24 यानी कि ए और बी मिलके 1 यूनिट बनाते हैं, ए बी सी 8 × 24 यानी कि ये मिलके 3 यूनिट बनाते हैं। अब आपको सी अकेले की निकालना है, तो सी निकालना है तो आप ए बी घटा दीजिए, यानी कि 3 में से आप ए बी घटा दें, ए बी की वैल्यू कितनी है और बी की वैल्यू 1 है, 3 में से 1 गया तो बचा 2, यानी कि सी एक दिन में 2 यूनिट बनाता है। अब एक दिन में 2 यूनिट बना रहा है तो टोटल कितने दिन में बना लेगा, तो 2 का भाग लगा देंगे तो 12 दिन में बना लेगा, यानी कि सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा, 12 दिन में समाप्त कर लेगा। ये चीज आप लोगों को ध्यान देना है दोस्तों, ठीक है, बहुत आसान है, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा, लिखा हुआ क्या है पढ़िएगा ध्यान से, कि ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, सी की सहायता से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो वर्ड है सहायता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से पढ़िएगा, सी की सहायता से उस काम को 5 दिन में समाप्त कर लेते हैं, तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त
कर लेगा। ये आप लोगों को निकालना है, जैसा हम लोग हमेशा करते आए उसी प्रकार से करना है। एलसीएम लेना है, फिर एक दिन की कैपेसिटी निकालना है। इसका एक प्रोसीजर है, एलसीएम सबसे पहले लेना है, फिर एक दिन में उनकी कितनी कैपेसिटी है वो निकालना है, फिर जिसका बचा है उस कैपेसिटी का भाग टोटल काम में देना है, तो उसके दिन निकल कर आ जाएंगे। जैसे कि ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, तो आप ए बराबर 20 लिख सकते हैं। फिर बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, तो 15 लिख देंगे। सी की सहायता से, तो सी बराबर 5 लिखने की गलती मत कर देना। सी की सहायता से कर रहे हैं मतलब आप लिखना ए प्लस बी प्लस सी, ए बी और सी मिलकर इस काम को 5 दिन में करते हैं, ये चीज बोली गई है। अब आपको 20, 15 और 5 का क्या लेना है, जो हमेशा हम करते हैं एलसीएम लेना है, वो टोटल काम आएगा। तो 20, 15, 5 का एलसीएम जो होता है वो 60 होता है, 60 होता है, तो 60 यूनिट टोटल बनानी है। अब एक दिन का काम निकालेंगे कि एक दिन में ए कितना करता है, तो 20 का भाग लगाएंगे 60 में, तो 20 या 60 यानी कि एक दिन में ए जो है वो 3 यूनिट बनाता है। कितनी यूनिट बनाता है दोस्तों? 3। 15 का भाग लगाएं तो 15 चौक 60 यानी कि ये एक दिन में 4 यूनिट बनाता है, और इस 5 का भाग लगाएं तो 5 का भाग लगाओगे तो 12 बार जाएगा, यानी कि तीनों मिलकर एक दिन में 12 यूनिट बनाते हैं। अब आपको सी की कितनी यूनिट निकालना है, तो आप ए और बी घटा दीजिए। ए और बी की वैल्यू कितनी है? 3 और 4 7, तो 12 में से 7 गया, तो बी सी की वैल्यू आ जाएगी 5। अब एक दिन में सी 5 यूनिट बनाता है, टोटल बनाने के लिए 5 का भाग लगाएंगे तो 12 आंसर आएगा, तो 12 दिन में सी जो है वो पूरा काम कर लेगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो बन जाता है सिंपल तरीके से 12 दिन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हैं। अगर आपके 10 क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे समझ में आए हैं तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करेंगे सभी दोस्त, क्लास को शेयर करेंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे किस तरीके से आपको ये समझ में आ रहा है। इसके अलावा किसी दोस्त को इसी प्रकार का पूरा कोर्स ज्वाइन करना है एमपी पुलिस और एमपीएसआई के लिए, देखो पटवारी का कोर्स अभी बन रहा है, रेडी हो रहा है, तो वो अभी समय है, लेकिन मैथ्स रीजनिंग का कोर्स अवेलेबल है। किसी को पढ़ना है पेड कोर्स तो बिल्कुल पढ़े, बहुत अच्छा कोर्स है, आपको पढ़ना ही चाहिए। मेरे हिसाब से अगर आप एमपी पुलिस निकालना चाहते हैं एक ही बार में, तो आपके 6000 पद भी आ रहे हैं, एमपीएसआई का भी आ रहा है, सेम कोर्स है मैथ्स और रीजनिंग का, 499 में आपको मिल जाएगा, बिल्कुल बेसिक से आप पढ़ सकते हैं। ये कहाँ पढ़ सकते हैं? तो ये हमारा ऐप है, Layer 3 एजुकेशन ऐप, ये ऐप डाउनलोड करिएगा, इसके स्टोर ऑप्शन में शानदार कोर्स आपको मिल जाएगा। और कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे नंबर पर मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा 9893800651 पे आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिएगा। आपको ये जो डेली हम लोग पढ़ रहे हैं ये पीडीएफ तो सभी दोस्तों के लिए फ्री है, आप चाहे कोर्स लेते हैं या नहीं लेते हैं, और ये जो शाम की क्लास 7:30 बजे वाली है ये आपकी निरंतर चलती ही रहेगी दोस्तों, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, एक मिनट देखिएगा, है ना। चलिए देखिएगा, बहुत इजी है, आप लोग अभी तक समझ गए होंगे कि किस तरीके से ये क्वेश्चंस आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िएगा ध्यान से, कि लिखा है दोस्तों कि एस किसी कार्य को 80 दिन में पूरा करता है। एस जो है वो किसी कार्य को 80 दिन में पूरा करता है, और टी जो है वो 60 दिनों में पूरा करता है, लेकिन यू की सहायता से। अब समझ गए होंगे कि यू को कैसे लिखना है ना, सहायता लिखा हुआ है तब क्या करना है, ये चीज आपको कहीं ना कहीं क्लियर हो रही होगी। यू की सहायता से वे इस कार्य को 20 दिन में समाप्त कर लेते, 20 डेज में कंप्लीट कर लेते। तदनुसार यू अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा, ठीक है? तो देखो हम लोग जैसे हमेशा करते हैं उसी प्रकार से करना है, कि भैया एस जो है वो 80 दिन में कर रहा है, टी जो है वो 60 दिन में कर रहा है, यू जो है, अब यू की बोला नहीं है कि कितने दिन में, यू की सहायता से, तो अभी यू का कंफर्म नहीं है, लेकिन एस प्लस टी प्लस यू मिलकर के इस कार्य को 20 दिन में करते हैं। तो यहां पर ध्यान देना है, सहायता का मतलब होता है सभी मिलकर के कर रहे हैं, यू की सहायता से मतलब एस और टी यू के साथ मिलकर 20 दिन में कर रहे हैं। तो 80, 60 और 20 का एलसीएम ले लेंगे, 80 का डबल 160 भाग जा रहा है, 60 का नहीं, 80 तिया 8 तिया 24, 240 इसमें जा रहा है, जी हाँ, तो 240 पे सबका भाग जा रहा है, मतलब 240 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। या फिर 8 6 2 का भी लेंगे तो पता चल ही जाएगा, 8 तिया 24 इनका एलसीएम हो जाएगा, तो 240 एलसीएम है, मतलब 240 यूनिट हमको बनानी है। अब 80 का भाग लगाएंगे 3 बार जाएगा, 8 तिया 24 यानी कि 3 यूनिट जो है वो एक दिन में एस बनाता है,
टी की बात करें तो 60 का भाग लगाएंगे 6 चौक 24, यानी कि ये 4 बनाता है। अब 2 का भाग लगाएंगे तो 12, यानी कि तीनों मिलके 12 यूनिट बनाते हैं, तीनों मिलके 12 यूनिट बनाते हैं। उसमें से एस और टी मिलके कितनी बना रहे हैं, 7 बना रहे हैं। अब 12 में से ये अगर 7 हम लोग माइनस कर देते हैं तो आपका बचा कितना, 5। और ये किसकी यूनिट होगी, यू की, क्योंकि एस और टी का यानी कि 7 माइनस कर दिया, 7 + u = 12 है, तो 12 में 7 गया, तो यू की वैल्यू जो है वो 5 है, यानी कि यू एक दिन में 5 यूनिट बनाता है। अब ये टोटल कितने दिन में बना लेगा, तो 5 का भाग इस 240 में लगा देंगे, तो 5 से करेंगे 5 चौक 20, है ना, और 40 बचा 5 8 40, यानी कि 48 दिनों में ये पूरा कर लेगा। 48 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि यू अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो वो 48 दिन में समाप्त कर लेगा। उम्मीद करता हूं बात क्लियर हो रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है पढ़िएगा ध्यान से और सोल्व करिएगा। देखना यहां पर लिखा हुआ है कि एक्स अकेला एक कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, वाई अकेला उसे 15 दिनों में कर सकता है, एक्स वाई जेड मिलकर उस कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो जेड अकेला उसे कितने दिन में पूरा कर लेगा। बहुत आसान है दोस्तों, आप करिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग हमेशा लिखते आए हैं उसी प्रकार से लिखना है कि भैया एक्स किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, तो x = 10 लिखना है सबसे पहले। फिर बोल रहा है कि वाई उस काम को 15 दिन में कर रहा है, तो वाई बराबर क्या लिखना है, 15। फिर जेड का कुछ दिया है, नहीं दिया है, लेकिन एक्स वाई जेड का दिया है कि भैया x + y + z मिलकर के उसे 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। अब 10, 15 और 3 का एलसीएम लेना है, जो कि कितना होगा, 60 एलसीएम हो जाएगा, या 30 भी आ रहा है, 15 × 30, 30 में भी सबका भाग जा रहा है, मतलब 30 इसका एलसीएम हो जाएगा, 30 इसका एलसीएम हो जाएगा, यानी कि 30 यूनिट टोटल बनानी है, 30 चीजें हमको टोटल बनानी है। अब एक दिन में कितनी बना रहे होंगे, तो एक दिन का यहाँ लिखेंगे 10 का भाग लगाएं, 10 × 30, यानी कि एक्स जो है एक दिन में 3 बना रहा है। 15 का भाग लगाएं, 15 × 30, यानी कि एक दिन में 2 बना रहा है। अब 3 का भाग लगाएं, 10 बार जाएगा, यानी कि तीनों मिलके एक दिन में 10 चीजें बनाते हैं, तभी 3 दिन में 30 चीजें बना लेते हैं। अब आपको जेड का निकालना है, तो एक्स और वाई का मिला के माइनस करना पड़ेगा, 3 और 2 5 इसकी यूनिट है, तो 10 में से 5 गया तो बचा 5, तो एक्स जो जेड है वो एक दिन में 5 यूनिट बनाता है। अब टोटल कितनी बनानी है, 30, तो आपके कितने दिन लग जाएंगे, 5 × 30, यानी कि 6 दिन उसे लग जाएंगे, अगर वो अकेला काम करेगा तो 6 दिन, यानी कि इसका करेक्ट आंसर जो बन जाएगा मेरे दोस्तों, वो आपका बन जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या, बिल्कुल आ रही होगी, आप लोग यस लिख सकते हैं कमेंट में अगर बात समझ में आ रही है। वीडियो अच्छा लग रहा है जरूर से लाइक करें, ऐसे ही और कॉन्सेप्ट के लिए आप लोग बिल्कुल वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग देखिएगा और करने की कोशिश करिएगा। एक्स अकेला एक कार्य को 5 दिनों में कर सकता है, वाई अकेला उसे 6 दिनों में कर सकता है, जेड उस कार्य को 15/2 दिन में पूरा कर सकता है, जेड अकेला अगर करे तो उसे 15/2 दिन में कर सकता है, तो तीनों मिलकर उसे कितने, आइए 15/2 से घबराना नहीं है, 15/2 लिख दिया है तो बहुत सारे टेंशन में ये आ गए कि हाय राम ये क्वेश्चन तो कैसे होगा, है ऐसे नहीं करना, एक्स लिखना है बराबर 5 लिखना है, वाई बराबर 6 लिखना है, जेड बराबर 15/2 लिखना है। अब इस / 2 मान लो ये / 2 होता ही नहीं, तो 15, 6 और 5 का एलसीएम तो आप लेते ही लेते, 15, 5, 6 का एलसीएम लेते, 15 × 30, तो आपका 30 एलसीएम हो जाता, जो हमेशा आप करते हैं वैसे ही करना है, तो 30 एलसीएम हो जाएगा। अब हम लोग एक दिन का काम निकालते हैं, तो 5 का भाग लगाओगे 5 × 30, यानी कि एक दिन में एक्स जो है वो 6 यूनिट बनाता है, 6 का भाग लगाओगे 6 × 5 = 30, यानी कि 5 यूनिट बनाता है। अब 15/2 का भाग लगाना है, 30 में 15/2 का लगाना है, तो ये जो 2 है बटे में ये ऊपर चला जाता है, 15 × 30, 2 × 2 = 4, तो यहाँ पे एक दिन में कितने यूनिट बनाता है, 4 बनाता है, 15/2 का भाग लगाना है बस।
अब इन तीनों को मिलके ये काम करवाना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो आप 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 4 कितना 15, तो ये तीनों मिलके 15 यूनिट बना रहे हैं। अब टोटल बनानी है 30, तो इनको कितना दिन लगेगा, 15 दुना 30 यानी कि 2 दिन लग जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर 2 दिन आएगा, 2/5 नहीं आएगा, ठीक है। तो 2 दिन इसका बिल्कुल करेक्ट है, बहुत ईजी है, आपको इस 15/2 से घबराना नहीं है, ये चीज समझ में आ रही होगी। आगे हम लोग मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है कि राहुल ने 30 दिन में एक काम का 1/2 भाग पूरा कर लिया। 30 दिन जरूर लगे लेकिन उस काम का 1/2 हिस्सा पूरा कर लिया। फिर अंजलि ने बचा हुआ काम 45 दिन में पूरा कर लिया। दोनों मिलकर वह पूरा काम कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब हम लोग हमेशा यहाँ क्या करते हैं कि राहुल अकेला कितने दिन में करता है, तो 30 दिन में तो ये आधा काम ही कर रहा है। राहुल जो है 30 दिन में कितना काम कर रहा है, आधा काम कर रहा है। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, आधा काम 30 दिन में, तो पूरा काम 60 दिन में करेगा। तो राहुल के बराबर में आप 60 लिख सकते हैं। फिर आधा काम राहुल ने किया तो बचा हुआ काम अंजलि करेगी, यानी कि आधा काम इसने कर लिया तो आधा काम अंजलि करेगी 45 दिन में। अगर 45 दिन में आधा काम कर रही है तो पूरा काम 90 दिन में करेगी। तो अंजलि किसी काम को 90 दिन में पूरा करती है। ये 60 90 कहाँ से आया, तो देखो आधा काम 30 दिन में तो पूरा काम 60 दिन में, फिर आधा काम 45 दिन में तो पूरा काम 90 दिन में। तो 60 और 90 का एलसीएम कितना होता है, 9 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 18, तो 180 हो जाएगा। 60 का भाग लगाओगे कितनी बार जाएगा, 3 बार। 90 का भाग लगाओ कितनी बार जाएगा, 2 बार। और राहुल और अंजलि मिलकर के कितना काम कर रहे हैं, दोनों मिलके एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, टोटल 180 करना है। तो 5 का भाग लगाएंगे 180 में, 5 + 15 और 3 बचा 5 = 36, तो 36 दिनों में पूरा काम कर लेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर जो बन जाएगा मेरे दोस्तों, वो आपका बन जाएगा 36 दिन। तो बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल आसानी से आप लोग कर लेंगे, बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, 1 मिनट। चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिएगा ठीक है, 14 वाला देखिएगा, बहुत इजी है, आप लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आप लोगों को ध्यान रखना है, आधा काम हुआ है तो आधा बाकी है, और क्या। 15 वाला देखिएगा, अब ये जो क्वेश्चन है, अभी तक हम लोग देख रहे थे कि अकेला आदमी कितने दिन में कर लेता है, अब होगा क्या कि ये जो क्वेश्चन है इसमें आपका रुपए भी ऐड कर दिए हैं। रुपए ऐड करने का मतलब होता है कि ये जो रुपए बटेंगे उनके एक दिन की कार्य की जो क्षमता है, एक दिन कार्य करने की जो क्षमता है, उसके आधार पे ये जो रुपए हैं आपके बटेंगे, ठीक है। अब कैसे बटेंगे तो देखना ध्यान से, कि एक दो आदमी एक काम 960 रुपए में लेते हैं, दो आदमी हैं 960 रुपए में ये काम लेते हैं। वे इस काम को क्रमशः 16 दिन में और 24 दिन में अलग अलग पूरा कर लेते हैं। मतलब पहला आदमी अगर इस काम को करे तो 16 दिन में कर लेगा, और दूसरा आदमी अगर करे तो 24 दिन में कर लेगा। अब वह किसी आदमी के साथ मिलकर इस काम को करते हैं और पूरा करने में 8 दिन लगाते हैं। मतलब वो दो मिलके एक और आदमी के साथ मिल जाते हैं तो पूरा काम 8 दिन में समाप्त हो जाता है। तो जो तीसरा आदमी है उसका हिस्सा इस 960 रुपए में कितना होना चाहिए, ये आपसे वो पूछ रहा है, ये आपको उसको बताना है। देखो मेरी बात सुनो, सबसे पहले तो अपन जैसे सवाल कर रहे थे, मान लो ये 960 रुपए नहीं आते तो हम लोग सवाल कैसे करते, कि पहला आदमी 16 दिन में करता, मतलब ए किसी काम को 16 दिन में करता है, ये अपन लिखते कि नहीं लिखते, बिल्कुल लिखते। बी उसी काम को, यानी कि दूसरा व्यक्ति जो है बी, मान लेते हैं कि ये उस काम को 24 दिन में करता है, और तीसरे आदमी के साथ मिलकर, तो तीसरे आदमी काम नहीं दिया लेकिन उसके साथ मिलकर, यानी कि ए बी और सी मिलकर उस काम को, तीनों मिलकर उस काम को 8 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो ये अपना क्वेश्चन तैयार हो गया, जैसे हमेशा करते आ रहे हैं कि ए किसी काम को 16 दिन में, बी 24 दिन में, सी का पता नहीं है लेकिन तीनों मिलकर 8 दिन में करते, तो अपन जैसे हमेशा करते वैसे ही करेंगे। 16 24 8 का एलसीएम हमेशा लेते हैं और अभी भी लेंगे। तो एलसीएम क्या होगा, 24 का डबल कर देंगे 48, 48 में सबका भाग जा रहा है, मतलब 48 इसका एलसीएम हो गया। 48 टोटल चीजें बनानी है।
अब मैंने कहा कि इनके एक दिन का काम हम लोग निकालते हैं, वो इनकी कैपेसिटी होगी। जैसे 16 का आप भाग लगाएं तो 16 48 यानी कि 3 बार भाग जा रहा है, मतलब ए जो है एक दिन में 3 यूनिट बनाता है। कितनी यूनिट बनाता है? 3 यूनिट। अब 24 का भाग लगाएं, 24 दूना 48 यानी कि एक दिन में कितनी यूनिट बनाता है? 2 यूनिट बनाता है। अगर इन तीनों की बात करें, 8 से करेंगे, 8 6 48 यानी कि एक दिन में कितनी यूनिट बनाते हैं? तीनों मिलके 6 यूनिट बनाते हैं। अब सी का अगर सी की अगर मैं यूनिट निकालूं तो यहां पर आप ए बी घटा दे, ए बी घटा दे यानी कि 3 और 2 5 घटाते हैं, 6 में से 5 गया तो इसकी यूनिट कितनी बन जाएगी? 1 बन जाएगी। अब यहां तक हम लोग आ गए हैं। अब यूं तो नहीं पूछा है सी अकेला कितने दिन में करता है, तो अगर एक का भाग लगा दे 48 आ जाता, लेकिन अब ये 960 रुपए को बांटना है। अब यहां पर ये जो 960 है ये तीनों में बटेंगे, कितनों में बटेंगे? तीनों लोगों में बटेंगे। तो ये 960 इन तीनों की कैपेसिटी के बराबर है, मतलब ये 6 जो कैपेसिटी है टोटल वो इसके नीचे आएगी हमेशा। टोटल कैपेसिटी इसके हमेशा रुपए के नीचे आएगी, और गुणा उसका करेंगे जिसकी पूछा है, तीसरे आदमी का पूछा है तो तीसरे आदमी की कैपेसिटी कितनी? 1 है, तो यहाँ 1 का इंटू हो जाएगा। 6 से भाग लगाओगे, 6 कम 6 3 बचा 6 6 36, तो 160 रुपए आ रहे हैं। मतलब अगर तीसरे आदमी को मिलेंगे कितने रुपए मिलेंगे? 160। मान लो सर तीसरे की नहीं पूछता, वो पूछता कि पहले आदमी को कितने रुपए मिलेंगे, तो 3 का गुणा करते हैं। 160 में कितने का गुणा कर देते? 3 का, 16 48 यानी कि 480 रुपए किसको मिलते? इसको मिलते। आप पूछते सर दूसरे आदमी को कितने मिलते, तो यहाँ 3 की जगह 2 का गुणा करते, 16 दूना 32 यानी कि 320 रुपए दूसरे आदमी को, और तीसरे आदमी का आपने निकाल लिए कि 160 रुपए, तो तीनों मिलकर के टोटल रुपए हो जाते हैं 960 रुपए जो कि बांटे गए हैं। क्या करना है? जैसे हमेशा आप करते आ रहे हैं, a = 16, b = 24, इनका एलसीएम लेना, पूरी प्रोसीजर सेम है, बस टोटल रुपए के नीचे टोटल कैपेसिटी जिसकी पूछे उसके सामने उसका गुणा कर देना है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके अलावा जिनको ये सारे चैप्टर पढ़ना है, जैसे आपका एक चैप्टर तो है नहीं, है ना, आपके एमपी पुलिस एमपीएसआई में पूरी मैथ्स पूछी जाती है, पूरी मैथ्स कवर करवा रखी है बहुत अच्छे से। जिनको मैथ्स और रीजनिंग पढ़ना है वो पेड कोर्स इस ऑफर में ज्वाइन कर लेना, 800 की जगह 499 में पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा, बिल्कुल बेसिक से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। पटवारी का कोर्स जल्दी आने वाला है, पटवारी के लिए अलग से, बिल्कुल अलग से कोर्स आएगा, ठीक है, जिनको पढ़ना है थोड़ा इंतजार करें, ठीक है। अब इसके अलावा ये जो पीडीएफ है ये भी आप प्राप्त कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, 9893800651 पे आप मैसेज कर दीजिएगा। जब भी इस प्रकार के वीडियो रिलीज होंगे, जैसे कि 7:30 बजे एक क्लास डेली चलती है, अभी रिकॉर्डेड है लेकिन डेली लाइव चलती है, तो 7:30 बजे लाइव आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ये जो पीडीएफ है ये आप प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा और क्वेश्चन करने की कोशिश करिएगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैंने दिया है, बस थोड़ा सा डाटा चेंज है। आप लोग कोशिश करिएगा कैसे आप आंसर निकालेंगे, कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ क्या है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी उसे 15 दिन में कर सकता है, जबकि सी की सहायता, सहायता सुनते ही सी बराबर 5 नहीं लिखना है, सी की सहायता मतलब ए बी और सी मिलकर के 5 दिन में करते हैं, ये बात ध्यान रखना है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद जो हमेशा करते हैं, हमेशा एलसीएम लेते हैं, तो 12 15 और 5 का क्या ले लेंगे मेरे दोस्तों? एलसीएम ले लेंगे। तो 12 15 5 का एलसीएम कितना है? 60 है, तो टोटल 60 यूनिट बनाती है। 12 का भाग लगाया, 12 5 60 यानी कि 5 यूनिट बनाता है एक दिन की। 15 का भाग लगाया, 15 6 60 यानी कि 4 बनाता है। 5 का भाग लगाया यानी कि 12 यूनिट बनाते हैं। तीनों मिलके 12 बनाते हैं, जिसमें से 5 और 4 9, तो ये दोनों ही बना रहे हैं, तो 12 में से 9 गया तो इसकी यूनिट कितनी है? 3 है। 12 में से 9 चला गया तो सी की यूनिट कितनी है कि एक दिन में 3 बनाता है। अब 960 रुपए बांटने हैं, कितने रुपए बांटने हैं? 960। अब कुछ नहीं करना है, 960 के नीचे, 960 के नीचे कितना लिखना है? मैंने कहा था टोटल कैपेसिटी 960 के नीचे आएगी, तो टोटल कैपेसिटी कितनी है? 12, तो ये 12 के नीचे आ जाएगी। गुणा किसका करना है? जिसकी पूछा है। ए को कुल मिलाकर कितना मिलेगा? ए की पूछा है यानी कि पहले वाले ही पूछा है, तो गुणा 5 का हो जाएगा। यूनि पूछा तीसरे आदमी को कितने मिलेगी, तीसरे की पूछता तो 3 का गुणा होता है ना, 12 करोगे, 12 8 96 यानी कि 8 बार 80, 80 × 5 8 5 40 यानी कि 400 रुपए ए को मिल जाएंगे, यानी कि ए को जो कुल राशि प्राप्त होगी वो कितनी हो जाएगी? वो 400 रुपए हो जाएगी। बात समझ में आ रही? कहीं ना कहीं क्लियर हो रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन बनना चाहिए आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा,
एक दीवार को 30 दिनों में बना सकता है, ए जो है एक दीवार को 30 दिनों में बना सकता है, बी उस दीवार को 40 दिनों में बना सकता है, दोनों मिलकर इस दीवार को बनाने का 7,000 रुपए का भुगतान प्राप्त करें, तो बी का हिस्सा इनमें से कितने रुपए हो जाएगा। देखो बहुत आसान है, आपको कुछ नहीं करना है, जैसे हमेशा करते आ रहे हैं वैसे करना है कि भैया ए बराबर 30 दिन, बी बराबर 40 दिन, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, ए 30 दिन में बना रहा है, बी 40 दिन बना रहा है, उसके बाद एलसीएम लेते हैं, क्या लेते हैं एलसीएम, 30 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा भैया, 120 हो जाएगा, 30 का भाग लगेगा 4 बार, 40 का भाग लगेगा 3 बार, और अगर दोनों की कैपेसिटी को जोड़े तो 4 और 3 मिलके कितनी हो जाती है 7। अब मैंने कहा था कि 7,000 रुपए का भुगतान कर रहे हैं, तो 7,000 के नीचे टोटल कैपेसिटी 7 किसकी पूछा है उसका गुणा करना है, बी का हिस्सा पूछा है, बी का हिस्सा पूछा मतलब गुणा किसका हो जाएगा, बी की कैपेसिटी यानी कि 3 का, तो 7 से 7 = 7 यानी कि 1,000, 1,000 × 3 यानी कि 3,000, तो बी को कितने रुपए प्राप्त होंगे, बी को 3,000 रुपए प्राप्त होंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप समझ पा रहे होंगे कि इन क्वेश्चन को कैसे हल करना है। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा है, बिल्कुल चैप्टर समझ में आ रहा है, समय कार्य, तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करना है, आपके लिए और चैप्टर में लेकर के आऊंगा। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा, क्या लिखा हुआ है पढ़िएगा ध्यान से, कि भैया तीन व्यक्ति एक कार्य 1200 रुपए में करने के लिए करार करते हैं, 1200 रुपए में कर देंगे ऐसा वो बोलते हैं, उनमें से पहला व्यक्ति उस कार्य को 8 दिनों में, दूसरा व्यक्ति 12 दिनों में, तीसरा व्यक्ति 16 दिनों में कर सकता है। तीन व्यक्ति करार करते हैं 1200 रुपए में कर देंगे, पहला व्यक्ति 8 दिन में, दूसरा 12 में, तीसरा 16 में, और चौथे व्यक्ति के साथ मिलकर 3 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो उस चौथे व्यक्ति का जो हिस्सा है वो कितना रुपए है, आप लोग निकालिएगा। अब मैं चाहूंगा कि अगर आपको ये 2-3 क्वेश्चन इससे पहले के समझ में आए होंगे तो ये क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल कर लोगे बहुत आसानी से, सबका आंसर आना चाहिए। ठीक है, आपको यही है कि मैथ्स में प्रैक्टिस करना है, ये क्लास डेली 7:30 बजे होती है ना, आज छुट्टी है इसलिए थोड़ा सा रिकॉर्डेड वीडियो डाला है, लेकिन आपका नुकसान नहीं है, आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बहुत इजी है, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा और इसका आंसर करिएगा, क्या आंसर इसका बन रहा है, सभी साथियों का बनना चाहिए। देखो जैसे हम लोग हमेशा करते हैं वैसे ही करना है, कि पहला व्यक्ति 8 दिन में कर रहा है तो ए बराबर 8 लिख देंगे बिना किसी दिक्कत के, दूसरा व्यक्ति उसे 12 दिन में कर रहा है तो बी बराबर 12 लिख देंगे बिना किसी दिक्कत के, सी उसे तीसरा व्यक्ति 16 दिन में तो सी बराबर 16 लिख देंगे, चौथे व्यक्ति का पता नहीं है लेकिन चौथे व्यक्ति के साथ मिलकर, इसलिए हम लोग ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 3 दिन में कर रहा है तो 3 दिन लिख देंगे सारे मिलकर। अब 8 12 16 3 का एलसीएम कितना होगा, 16 2 32 48, 48 एलसीएम हो जाएगा, 48 एलसीएम हो जाएगा, इस 48 की मदद से हम इनकी 1 दिन की कैपेसिटी निकालेंगे, 8 का भाग लगाएंगे, 8 × 48 यानी कि 6 बार भाग जाएगा, 12 से करेंगे 12 × 48 यानी कि 4 बार जाएगा, 16 से भाग लगाएंगे 16 × 48 यानी कि 3 बार जाएगा, और 3 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 16 आएगा, 16 × 48। ठीक है, तो अब सभी की कैपेसिटी मिलकर 16 है, मतलब ये जो 1200 रुपए आपको बांटने हैं, 1200 के नीचे कितना आएगा ये तो पता चल ही गया है, 1200 के नीचे कितना आ जाएगा 16, गुणा किसका करना है, आपको चौथे व्यक्ति की कैपेसिटी निकालनी है। अब 16 में से 6 4 3 यानी कि 6 4 3 कितना, 6 4 10 3 13, 13 घटा दो, 16 में से ये 13 गया तो 3 जो बचा है, ये 3 कैपेसिटी किसकी है, इस चौथे व्यक्ति की है, तो इसका 3 का गुणा हो जाएगा, आप इस 16 को काटेंगे है ना, 4 से करिएगा, 4 3 12, 4 4 16, 4 से काटा, 4 7 28 और 2 बचा 4 5 20, 75 × 3 करेंगे है ना, 7 21 और 5 15, 21 210 215 225, हाँ तो 225 रुपए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बहुत आसानी से बहुत सिंपल तरीके से आप लोग कर लेंगे बिना किसी दिक्कत के, बात समझ में आ रही है, बोलो हाँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, बोलो जुबा केसरी वो चलता है ना एड, क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा, क्या लिखा हुआ है पढ़िएगा ध्यान से और आंसर करिएगा, सभी दोस्तों का आंसर बनना चाहिए क्वेश्चन नंबर 19 का, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, रुपए बांटने हैं कैपेसिटी के अनुसार, आप बांटिएगा क्या आंसर आपका बन रहा है। लिखा हुआ है ए और बी एक कार्य को 720 रुपए में करने की जिम्मेदारी लेते हैं, मतलब ठेका लेते हैं,
ए अकेला इस कार्य को 8 दिन में कर सकता है, बी अकेला उसे 12 दिन में कर सकता है, सी की सहायता से इसे 4 दिन में कर सकते हैं, तो सी का हिस्सा कितना हो जाएगा। ठीक है, ये ठेके वाले प्रश्न समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं तो फिर आपको है ना गेहूं काटने का ठेका लेना पड़ेगा, है ना, अभी चल रहा है गेहूं काटने का। ठीक है, तो ये ठेके लेना समझ में आ गया तो बढ़िया बात है, नहीं तो और ठेके लेने पड़ेंगे। देखो, तो ए अकेले उस कार्य को 8 दिन में, बी अकेले 12 दिन में, और सी की सहायता से, मैंने बोला सी की सहायता मतलब सी बराबर करके नहीं लिखना है, सी की सहायता मतलब ए बी और सी मिलकर के 4 दिन में करते हैं। अब 8, 12 और 4 का एलसीएम आप लोग ले लेंगे, 12 का डबल करेंगे 24, 24 में भाग जा रहा है सभी का, तो एलसीएम आपका कितना आ गया है, 24 आ गया है। इस 24 की मदद से हम लोग 1 दिन की कैपेसिटी निकाल लेंगे और उसी कैपेसिटी में ये रुपए बटते हैं। 8 से करोगे 8 के 24, 12 से करोगे 12 दूना 24, 4 से करोगे 4 छंग 24। अब आपको मैंने बोला था कि ये जो 720 रुपए रहते हैं, इन 720 के नीचे तो हमेशा टोटल कैपेसिटी लिखना है ये वाली, उसके बाद गुणा उसका करना है जिसकी पूछा है कि भैया सी का हिस्सा कितना, तो सी का हिस्सा निकालेंगे, भैया सी कैपेसिटी कितनी होगी, 3, 2, 5 और सब मिला के 6 है, तो इसकी 1 हो जाएगी, बस 6 से काट लेंगे, 6 एकम 6, 1 का गुणा करना है तो और कोई दिक्कत नहीं है, 6 एकम 6, 1 बचा 6 दुनी 12, 120 रुपए आ रहे हैं। तो सी को जो रुपए मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 120 रुपए मिलेंगे। बात क्लियर हो रही है कहीं ना कहीं? बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया तरीके से आप क्लियर कर पा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा, ये क्वेश्चन 20 वाला क्वेश्चन आप लोगों को करना है और आंसर करना है। पी तथा क्यू ने एक कार्य 7,200 रुपए में करने का ठेका लिया, पी अकेला इस कार्य को 20 दिन में, क्यू अकेला इसे 12 दिन में, और आर की सहायता से इन्होंने इस कार्य को 5 दिन में पूरा कर लिया, तो आर का हिस्सा कितने रुपए होगा। अब ये क्वेश्चन मैं आपको सोल्व नहीं कराऊंगा, क्यों? क्योंकि इससे पहले के 5 क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, जब सेम क्वेश्चन करवा रखे हैं तो ये क्वेश्चन आपका है होमवर्क। तो जितने दोस्त देख रहे हैं इस वीडियो के लास्ट में, नीचे ये लाइव चैट नहीं, कमेंट बॉक्स होगा, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखिएगा, इसका जो भी आंसर आ रहा है 1800, 2400, 2600, और उसके बाद एक कमेंट करिएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा और कैसे ये समझ में आया, कोई मेरी तरफ से कमी रही हो वो भी बताइएगा, कुछ अच्छा लगा हो वो भी बताइएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया हो कर दीजिएगा, और अगर आपको एमपी पुलिस और एमपीएसआई का पूरा चैप्टर वाइज सारे चैप्टर पढ़ना है तो मैथ्स और रीजनिंग का शानदार कोर्स आपके लिए अवेलेबल है, बिल्कुल आप ज्वाइन करें, 499 499 में मैथ्स और रीजनिंग दोनों का कोर्स मिल जाएगा बहुत अच्छे से, और पटवारी का कोर्स अभी जल्द आएगा, है ना, बिल्कुल आप इंतजार करें, बहुत अच्छा कोर्स आपके लिए है ना, और एमपी पुलिस एमपीएसआई का कोर्स रेडी है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये जो पीडीएफ है ये आपके लिए बिल्कुल अवेलेबल है, आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर देना 9893800651 पे, ताकि आपको रेगुलर क्लास जो 7:30 बजे होती है उसकी लिंक क्लास शुरू होने से पहले मिला करे, प्लस डेली की जो पीडीएफ है वो बिल्कुल फ्री रहती है आप सभी के लिए, कि आपको मिला करेगी बिना किसी दिक्कत के। ठीक है दोस्तों, मुलाकात होगी आपसे कल, तब तक के लिए अलविदा, नए टॉपिक के साथ है ना, नई क्लास में, थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए अगर आपने देखा है तब तक, है ना, मिलते हैं कल, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, धन्यवाद।